हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ग्रीन्स थ्योरम का थर्ड ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। ये 8 मार्क में आपको प्रूफ पूछा जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी है और बड़ी बात है आप सबके लिए। सीख लीजिए, ईजी है। और जैसे मैं देख सकते हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा जा गया है 2015 में, 2012 में, और भी एक दो बार पूछा गया है, और भी अदर यूनिवर्सिटी में सारे इंजीनियरिंग सेक्टर में पूछा जाता है। सो एक जरूर देख लीजिए प्रूफ, तो आप सबको मालूम ही होगा कह रहा है इसमें क्या। ग्रीन्स थ्योरम यूज करके आप इसमें आपको क्या कह रहा है, ग्रीन्स थ्योरम यूज करके एस्टोइड का एरिया कितना होता है वो पता लगाए। फाइंड द एरिया ऑफ एस्टोइड, एरिया ऑफ एस्टोइड पता लगाने के लिए कह रहा है। तो ये एस्टोइड का इक्वेशन है, ये तो आपको मालूम ही होगा, देख सकते हैं आप। तो हमें क्या करना है ये पता लगाने के लिए, तीन ठो टर्म हमें याद करना है। क्या है, एक्स बराबर, ये हमको एज्यूम करना है, जेड एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा। उसके बाद वाई बराबर क्या करना है, वाई बराबर ए साइन थीटा। और ये ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम का एरिया का फॉर्मूला, तीन ठो याद करेंगे टर्म तो उसके बाद इजी है, प्रूफ हो जाएगा। लेट एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा, एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस क्यू थीटा। तो इसको यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा, उसके बाद ए कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, इसको बाहर निकालेंगे। और कॉस क्यू थीटा का डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, कॉस क्यू थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे, चैन रूल में जाएंगे। तो कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा का क्या हो जाएगा, ए थ्री है तो क्या होगा, थ्री का एन का पावर एक्स एन का, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए कॉस क्यू थीटा है, तो ये इसको क्या करना है, चैन रूल में ले जाना है। तो ये अगर कंस्टेंट है, देख पा रहे होंगे तो ये कंस्टेंट है, तो इसको ये कंस्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद डी कॉस क्यू थीटा, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉस क्यू थीटा है, ऊपर और नीचे सेम है। तो ये आपको मालूम होगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, डी एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो ए एन वाला इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं थ्री है, तो थ्री एन हो गया, थ्री इंटू कॉस क्यू थीटा, यहाँ पर क्या है एन माइनस वन, तो एन माइनस वन हो गया। उसके बाद बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ गुना हो गया। उसके बाद इधर का थीटा साइड में चेंज कर दिए, तो यहाँ पर आ गया, ऐसे डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। तो डी एक्स बराबर क्या हो गया फाइनली, माइनस ए माइनस थ्री ए कॉस क्यू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे आ गया क्यू थीटा। तो इसको भी हम वैसे ही डेरिवेटिव करेंगे, पहले जैसे यहाँ पर किए थे, देख रहे हैं चैन रूल में, तो ऐसे ही इसको भी करना है। तो इजी है, आप कर पाएंगे आई थॉट। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये जो है ग्रीन्स थ्योरम कह रहा है, तो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम करके हम बनाएंगे। तो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है ग्रीन्स थ्योरम। एक बात ये ध्यान में रखना है आपको कि ग्रीन्स थ्योरम यूज करके रखना है। तो ग्रीन्स थ्योरम का आपका फॉर्मूला मालूम ही होगा, क्लोज इंटीग्रेशन 1/2 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये तो सबको मालूम है। तो यहाँ पर जो एक्स है, तो एक्स के ठम पर जो हमने पहले माने थे एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा, तो एक्स के ठम पर रख दिए, और डी वाई बराबर यहाँ है जो रख दिए, सिर्फ वैल्यू पुट करना, वाई की जगह पर वाई, डी एक्स के ठाव पर डी एक्स कितने निकाले थे वो रख देना है। तो ऐसे ही किया, और क्लोज इंटीग्रेशन हटाए, तो क्लोज इंटीग्रेशन हटाएंगे तो स्ट्रोइड कैसे होता है, ऐसे सर्कल टाइप हो जाए, तो 360 डिग्री में रोटेट होता है, अर्थात पाई का वैल्यू 180 हो गया, तो 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक डेरीवेटिव करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे 0 to 2 पाई लिख के यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन हटा दिए, तो ऐसे आ गया। तो चलते हैं नीचे, और गुणे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इतना मिल रहा है, तो इतना कॉमन ले सकते। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हमें मालूम है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, और ठीठा तो ही थे, तो ठीठा लिख दिए। तो चलते हैं आगे, तो इतना सब करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर है आपको साइन स्क्वायर ठीठा और कॉस स्क्वायर ठीठा पहुँचा था, तो होल में हम स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर
स्क्वायर था तो इसको होल में स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला के पैटर्न में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला में चल जाएगा। तो sin 2 थीटा पर, ये sin 2 थीटा बराबर क्या होता है आपको मालूम ही होगा, 2 sin थीटा into cos थीटा। तो फार्मूला में ले जाने के लिए ऊपर नीचा 1/2 से गुना किए, 2 2 से गुना किए, तो 1/2 ये हो गया, तो इसको ब्रैकेट में है तो ये बाहर आएगा, तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर में है, तो 1/4 यहाँ पर ले लीजिए, तो 3/8 हो गया 2 से गुना होकर। उसके बाद साइन स्क्वायर फोर थीटा बच गया और डी थीटा। तो इसको हम एंटी डेरिविटिव करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे फार्मूला है, इस पैटर्न पर ले जाके फार्मूला पर, तो कॉस थीटा बराबर हमें मालूम है 1 - sin² थीटा है, तो साइड चेंज करके हमें sin² थीटा के फॉर्मेट में ले जाकर किए हैं। तो ऐसे ही आपको सिर्फ साइड चेंज करके फॉर्मेट में ले जाना है, तो उसके बाद एंटी डेरिवेटिव करने के लिए ईजी हो जाएगा। इतना आ गया, तो इसमें 1/2 हो गया, तो फिर 1/2 बाहर कम बन लीजिए, उसके बाद 1 - cos 4 थीटा बच गया, तो 1 के ठाव पर 1 कुछ नहीं लिखेंगे तो भी होगा, थीटा हो गया यहाँ से गुना हुआ था, उसके बाद cos 4 थीटा, तो 1 थीटा का डेरिवेटिव, 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा होता है, और cos 4 थीटा का एंटी डेरिवेटिव sin 4 थीटा/4 ये कर दिए, तो सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सिंपली वैल्यू रख दिए। उसके बाद इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, आप चेक भी कर सकते हैं आपके कैलकुलेटर में, एटलीस्ट अराउंड 0 आता है, इसीलिए इतना बराबर 0 लिखे। तो बच गया कितना, यहाँ पर देखते हैं 3a² / 16 और (2π) इतना बच गया। अब इतने में इतना ही सिर्फ बच गया, तो उसके बाद इसमें यहाँ पर और ये कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये देख सकते हैं फाइनली आंसर आ गया। ये क्या हो गया, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम हम क्या कर पाए, स्टूडेंट का एरिया पता लगा लिए। सो ये आपको ऐसे बनाना है, और कोई भी स्टेप पर अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा। इतने बना दिया था आपको 8 मार्क आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सेक्टर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो, और कोई सुझाव है तो भी आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। सो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।